अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं किरण रहमान, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज की वीडियो है, पोटैटो पास्ता बनाने लगी हूँ, चटपटा, बहुत ही मज़ेदार। तो आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा था तो मैंने सोचा कि पास्ता बनाया जाए चटपटा। तो जल्दी से बातें किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हमने लिए हैं पोटैटो, ये देखिए मैंने काट लिए हैं, इनको गोल शेप दी है, ठीक है जी। तो ये देखिए मैंने पोटैटो गोल शेप दे के काट लिए हैं, मीडियम से दो मैंने प्याज लिए हैं और एक चम्मच नमक लिया है, एक चम्मच काली मिर्च ली है और आधा चम्मच सूखा धनिया और जीरा लिया है, ठीक है जी। तो ये टेस्ट के हिसाब से लिया है, अगर कम होगा तो हम दोबारा ऐड कर लेंगे। और चिली सॉस ली है और सोया सॉस ली है, ठीक है। ये मैंने पास्ते लिए हैं और ये पास्ता जो है ये सोदिया का है, तो ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो तकरीबन इतना मैंने पास्ता लिया है, ये इस शक्ल का है, ठीक है जी। तो अब हम इसको तैयार करते हैं। ये मैंने पैन में ले लिया है वाटर, इसके अंदर हमने ये पास्ता जो है इसको तोड़कर डाल देना है। जी डाल दिया है। अब हमने इसके अंदर तकरीबन एक चम्मच ऑयल ऐड करना है ताकि ये अलहदा अलहदा रहे, ठीक है। इसको अब हमने अच्छे से पकाना है ताकि ये गल जाए। ये देखें पास्ता उबलने के लिए मैंने रख दिया है, ठीक है। ये तकरीबन 5-10 के मिनट के अंदर ये अच्छे से गल जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए पास्ता मेरा गल चुका है, ये देखिए, ठीक है। जिस तरह चावल की एक कली छोड़कर इसको उतार लेते हैं, इसी तरीके से आपने इसको ज़रा मतलब कि ज़्यादा भी खिलाना नहीं है ताकि ये आपकी हमने इसको पकाना भी है तो उसमें भी ये गल जाएगा, ठीक है जी। तो ये देखिएगा, अब इसको मैं किसी छाननी में छान लेती हूँ। पास्ता गल गया है और इसको मैंने छान के टोकरी में डाल लिया है, ठीक है जी। तो अगर आपके पास पास्ता नहीं है तो सिवैयां मौजूद हैं, जो कि मोटी सिवैयां होती हैं थोड़ी सी इस साइज की, तो आप उसको भी इसी मेथड से बना सकते हैं क्योंकि वो भी तकरीबन इसी फ्लेवर में बन जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल डालना है, बहुत कम, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, ठीक है। देखिए इतना सा आपने ऑयल डालना है, तकरीबन एक चमचा मैंने डाला होगा। उसके अंदर हमने पोटैटो और प्याज ऐड करने हैं। ये देखिए पोटैटो और प्याज मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करना है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको अच्छे से भून लेना, जो हमने नमक इसके लिए ऐड करना है एक चम्मच रखा हुआ है वो हमने इसके अंदर ऐड करना है और इसको पका लेना है, इसको गला लेना है ताकि हमारा आलू और हमारे जो प्याज है वो अच्छे से गल जाए। जितनी हमने काली मिर्च रखी है उसमें से आधी हमने इसे भूनते ग्रांड डाल देनी है और आधी हम बाद में डालेंगे पात्र के ग्रांड, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा आपने वाटर भी डाल देना है ताकि हमारे पता तो अच्छे से गल जाए। देखें पता तो मेरे गल चुके हैं, ये देखिए, ठीक है। तो आपने तोड़ के चेक कर लेना है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर पास्ता ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर पास्ता ऐड करेंगे, इसको हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। मिक्स मैंने इसको कर लिया है। अब हम इसके बीच काली मिर्च जो हाफ चम्मच रहता था और जीरा मसाला वो हम ऐड करेंगे। अब हमने चिली सॉस लेनी है, उसके 3 चम्मच ऐड करेंगे, ठीक है। चिली सॉस ऐड कर दी। अब हमने 2 चम्मच सोया सॉस के ऐड करने, शंग्रीला की मैंने सोया सॉस ली है, ठीक है। अगर आपको खट्टा ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा भी सोया सॉस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और नमक और काली मिर्च सब कुछ ऐड करके इसको अच्छे से
मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। अगर आपने इसको टेस्ट कर लेना है, अगर आपको कोई चीज कम लग रही है, नमक कम लग रहा है या मिर्च कम लग रही है, तो आप दोबारा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से थोड़ा सा 2-3 मिनट तक इस तरह पकाना है मीडियम फ्लेम पर, ठीक है। उसके बाद आपने इसको 2-3 मिनट के लिए दम दे देना है, ठीक है। पास्ता हमारा रेडी हो गया है, ठीक है जी। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। पास्ता हमारा रेडी हो गया है, ठीक है जी। तो अब हम इसको, ठीक है, इस तरीके का ये इस बिल्कुल हर चीज अलहदा अलहदा होनी चाहिए। देखें, ये इसके अंदर जो पास्ता है वो बिल्कुल अलहदा है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपका हुआ, ठीक है। और पोटैटो भी आपके तकरीबन साबुत ही होने चाहिए और गले हुए होने चाहिए, ठीक है। तो रेडी हो गया है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो जल्दी से मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।